भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। जप तप व्रत। मैं यहाँ मूक दर्शक बनने नहीं आया, अपितु असुर जाति को न्याय दिलाने आया हूँ। किंतु आपके न्याय मांगने का ढंग उचित नहीं है शुक्रदेव। उचित अनुचित की परिभाषा में पढ़ने का इच्छुक मैं नहीं शिवशंकर। आप असुरों के आराध्य हैं, किंतु आपने भी असुरों पर हुए अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। शांत हो जाएं शुक्रदेव। इस महासम्मेलन को विवाद का मंच न बनाएं। जप तप व्रत जैसी कल्याणकारी भावना पर विवाद अनुचित है। सर्वप्रथम इस पर चर्चा पूर्ण हो जाने दें, उसके पश्चात हम आपके प्रस्तावों पर अवश्य विचार करेंगे। विचार अभी और इसी समय करें श्री विष्णु। सर्वप्रथम असुरों को उनका सम्मान और अधिकार दें, तत्पश्चात चर्चा प्रारंभ करें। अर्थात आप ये महासम्मेलन प्रारंभ होने देने के इच्छुक नहीं हैं। इस व्यर्थ वाद विवाद का परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता है शुक्रदेव। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके समर्थन और स्वीकृति के बिना हम कोई निर्णय नहीं करेंगे। मुझे आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है। छल से असुर सेनापति राहु का शीश काटने वाले, मोहिनी रूप धारण कर असुरों के साथ पक्षपात करने वाले श्री विष्णु से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे ज्ञात है असुरों के प्रति आप सबके मन में तनिक भी सहानुभूति नहीं है। आप महासम्मेलन में भी छल बल पूर्वक अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले हैं। बैठ जाइए। नहीं, कदापि नहीं। अपनी बात की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मैं नहीं बैठूंगा। मैं विरोध करता रहूंगा। ब्रह्मा जी, देवाधिदेव शिव शंकर, इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा। अन्यथा इस महासम्मेलन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हम आपसे पूर्ण सहमत हैं जगदीश्वर। जगत पालक श्री विष्णु, आप इस महासम्मेलन के अधिष्ठाता हैं। इस विवाद के अंत का उपाय करने का आपको पूर्ण अधिकार है। शुक्रदेव, हम अंतिम बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप असुरों के विषय में अनावश्यक विवाद उत्पन्न न करें। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण होने दें। मैंने निश्चय कर लिया है वैकुंठपति, असुरों को न्याय दिलाए बिना मैं नहीं बैठूंगा। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुचित हट का परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। मैं विष्णु घोषणा करता हूं कि शुक्रदेव के शरीर में स्थित देवत्व मात्र उनके ग्रह नक्षत्र भाग में सीमित हो जाएं। दैत्यों के पक्षापति रूप शुक्रदेव के शरीर से भिन्न होकर शुक्राचार्य के रूप में स्थापित हो। जो कि दैत्य गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा।
आपको इस महासम्मेलन से बहिष्कृत किया जाता है। शुक्राचार्य, ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवतागण सुनने, मैं अपने इस घोर अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं दैत्यों को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि वे आपके जप तप और व्रत की समस्त योजनाओं को ध्वस्त कर सके। श्री हरि विष्णु द्वारा वैकुंठ और देव लोकों से बहिष्कृत शुक्राचार्य के विरोधात्मक स्वरूप का प्रभाव त्रिदेवों पर किंचित मात्र भी न पड़ा। महासम्मेलन का कार्य आगे बढ़ाते हुए जगदीश्वर श्री हरि विष्णु ने जप तप व्रत की महान महिमा से जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए विचार विमर्श का प्रारंभ किया। इसी समय चारों बाल ऋषि जप तप व्रत और श्री हरि की महिमा का गुणगान करते हुए ज्यों ही वैकुंठ के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उसी समय वैकुंठ के द्वारपालों ने उन्हें भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। ठहरिए, अतिथि पत्रिका में आप चार बाल योगियों के नाम नहीं हैं। आप चारों इस महासम्मेलन में आमंत्रित नहीं हैं। आप वैकुंठ में प्रवेश ना करें। प्रिय जय, प्रिय विजय, हम चारों ही जगदीश्वर श्री विष्णु के अंशावतार हैं। इस संसार का हर जीव जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु का ही अंशावतार है, किंतु जिस उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है उसी जप तप और व्रत की महिमा का गुणगान करने के लिए ही प्रभु ने हमें प्रकट किया था। किंतु महासम्मेलन में जप तप और व्रत की महिमा का गुणगान नहीं अपितु नियम आदि निर्धारित किए जा रहे हैं, वहाँ आपका क्या कार्य? हमारा कार्य में ज्ञात है। आप दोनों हमारा मार्ग न रोके, महासम्मेलन में हमारा शीघ्र पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। ये असंभव है, हम आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं देंगे। जय विजय, तुम दोनों अनुचित कार्य कर रहे हो। हम दोनों श्री विष्णु के द्वारपाल हैं, उचित अनुचित को भलीभांति जानते हैं। जय विजय, तुम में हट के साथ साथ अहंकार भी प्रवेश कर गया है। बाल योगियों, हमारे विकार को ढूंढने का दुस्साहस ना करो। इस स्थान से शीघ्र हट जाओ। नहीं, तुम हमें शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर रहे हो। अहंकार पूर्ण भाषा बोलकर तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं। वैकुंठ से तुम दोनों का पतन हो जाएगा। तुम बार बार दैत्यों के रूप में जन्म लोगे तथा हर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतारों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे। हमें क्षमा कर दे, अज्ञान में हमसे भूल हो गई। बाल योगी, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। जय विजय, हम दिया हुआ शाप लौटा नहीं सकते, तुम्हें अपने पाप का फल भोगना ही होगा। जय विजय, अब पश्चाताप से कोई लाभ नहीं, हमने विधि के विधानों के संकेतों का ही पालन किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के सृजनहार, सृष्टि के पालक, सृष्टि के संहारक तथा महासम्मेलन में उपस्थित
सभी गणमान्य अतिथियों को हमारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, हम चारों इस समय महासम्मेलन सभागृह में क्षमा भाव के साथ उपस्थित हुए हैं। बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अहंकारिक हस्तक्षेप के कारण हम सब ने उन्हें हर युग में असुर रूप में जन्म लेने का श्राप दिया है। आपने कुछ अनुचित नहीं किया है बाल योगियों। हम त्रिदेवों को इस बात का ज्ञान है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जब धर्म के उत्थान और मानवता के कल्याण के लिए हम अवतार धारण करेंगे, तब बैकुंठ लोक से पतित यही जय विजय ही हमारे सम्मुख असुर बनकर शत्रु रूप में खड़े होंगे। आपने जय विजय को शाप देकर भविष्य की संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया है बाल योगियों। आप चारों जप, तप और व्रत की महिमा के सूत्रधार हैं। आपके द्वारा जो कार्य होगा उससे संसार का कल्याण ही होगा। हम तो मात्र करता है भोलेनाथ, कारण तो कोई और है। उस कारण ने कर्ता को अपने योग्य समझकर ही भविष्य की घटनाओं का संकेत दिया है। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को हम सभी ग्रह अपना आराध्य मानते हैं। मैं सूर्य ग्रहों का अधिपति होने के नाते ये घोषणा करता हूं कि हम सातों ग्रह जप, तप और व्रत द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इन त्रिदेवियों की आराधना करने वालों की सदा सहायता करेंगे। गणपति सूर्य देव, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। आप अपनी इच्छा और निर्णय मानने के लिए मुझे शनि देव को विवश नहीं कर सकते। मैं स्वयं शक्तिशाली एवं तेजस्वी हूं। मेरा अपना अस्तित्व एवं महत्व है। पुत्र शनि देव, हमें शक्ति, तेज और महत्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इन्हीं की कृपा से संसार में हमारा महत्व है। आपका महत्व होगा सूर्य देव, आपका। मैं स्वयं तेजस्वी एवं महत्वाकांक्षी हूँ, मुझे किसी कृपा की आवश्यकता नहीं है। ना तो मैं ब्रह्मा का दास बनने का इच्छुक हूँ, ना विष्णु का। भगवान शिव के प्रति मेरे मन में आदर सम्मान है, किंतु वही तक। जहां तक मेरे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। शनिदेव, उत्तेजित ना हो ग्रहपति सूर्यदेव, सब कोई सुने। जो जीव इन त्रिदेवों से निराश होकर मेरी पूजा आराधना तथा जप तप करेगा, उसे मैं शनिदेव इच्छुक फल अवश्य प्रदान करूंगा।
शांत रहे शनिदेव। आपको अपना विरोध प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु आपको अपने पिता सूर्यदेव के सम्मान का भी ध्यान रखना उचित होगा। पिता, तो आज इस मंच पर इनके पिता होने की परिभाषा भी सुन लीजिए। इस शनि का दुर्भाग्य यही है कि इसके पिता सूर्यदेव हैं। पुत्र शनि, सत्य को सुनकर आहत न हो सूर्यदेव, ये कटु सत्य है कि मेरे पिता ने एक क्षण भी मेरी ओर स्नेह भाव से नहीं देखा। मुझे ज्ञात नहीं कि पिता का प्रेम क्या होता है। मेरा पिता जन्म से ही मेरा विरोध करता रहा और ये बात मैं कदापि नहीं भूल सकता कि इन्होंने मेरी विमाता संध्या का पक्षपात करते हुए मेरी माता छाया का सदा सदा अपमान किया। पुत्र शनिदेव, क्या तुम हमारे साथ ही साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी अपमान करने की इच्छुक हो? मेरे मन में आपके समान ही इनके प्रति कोई आदर नहीं। इन सब ने भी आप ही के समान सदा मेरी उपेक्षा की है, सदा मुझे अशुभ और नीच ग्रह समझा है। इन्होंने तुम भयानक भूल कर रहे हो पुत्र। ये भूल है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो समय करेगा सूर्यदेव, किंतु अब मैं आप लोगों के साथ कदापि नहीं रहूंगा। पुत्र शनि। हाँ सूर्यदेव, हाँ, अब मैं मानवों, दानवों और देवताओं को भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा, अपने तेज के सम्मुख सबको झुका कर रख दूंगा। मैं शनि हूँ, शनि। पुत्र शनि,